हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस रेसिपी यानी मगज चूरमा। ये शुभ अवसरों पर बनाया जाता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी लंबी है, यानी आप कभी भी कहीं पर भी जाएँ तो इसको बना कर ले जा सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने एक बाउल, तो उसके अंदर हम डाल देंगे आटा। तो ये गेहूं का आटा लिया है मैंने, तो ये 1.5 कप लूंगी। तो 1 कप मैंने डाल दिया है इसके अंदर और ये 1/2 कप। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी, तो मैं ये देसी घी ले रही हूँ। तो इस चम्मच से, यानी कि ये टेबल स्पून है, तो ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर घी डाल दूंगी। और इसको हमें अच्छी तरीके से हाथों से मिलाते हुए ऐसे मिक्स करना है। तो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर दूध। तो दूध भी मैं ये 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दूध मैंने ठंडा, यानी कि बॉईल किया हुआ दूध और ठंडा लिया है, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब। तो दूध और घी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसी तरीके से मिक्स करना है। अब इसको ढक के मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 15 मिनट हो गए हैं, ये आटा अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो अब इसको मैं छान लूंगी। तो ये मैंने छलनी ले ली है और उसके अंदर आटा डाल दिया है, तो अब इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो आटे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून मैं ये घी डाल दूंगी। कढ़ाई पहले से ही प्री हीट थी, तो अब इसके अंदर जो आटा छाना हुआ था वो हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो आटा हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से इसका लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए, तो ये फिर कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। तो ये मैंने वही कढ़ाई ले ली है, तो और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच। तो अब इसके अंदर बादाम को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद मैं डाल दूंगी काजू, कि ये थोड़े करारे करारे उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो किशमिश को भी कर सकते हैं, पर किशमिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बस इनको हम हल्का से रोस्ट कर लेंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है। तो काजू और बादाम हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इनका हल्का कलर चेंज हो गया है। तब इसके बाद मैं डाल रही हूँ डेसिकेट कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं या नारियल को घिस के भी डाल सकते हैं। बस इसको भी मैं रोस्ट कर लूंगी हल्के से, इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो मैं इन सारी चीजों को निकाल लूंगी। तो आटा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर किशमिश। और ये लिया है मैंने बूरा, अगर आपको बूरा ना मिले तो आप चीनी को पीस के यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसको कर लूंगी मैं ट्रांसफर। तो हमारा राजस्थानी मगज चूरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको बनाकर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।